नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर जिले के बेलखेड़ा के समीप नर्मदा तट स्थित जलोन गांव में विराट श्री राम कथा महोत्सव 27 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। श्री राम कथा बखान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव विद्वान श्री पंडित शिवम शुक्ला जी प्रयागराज से पधारे हैं। बलखेड़ा से लेकर राम कथा आयोजन प्रांगण तक 4 किलोमीटर तक लगातार भगवा ध्वज लगाए गए हैं। वहीं कथा का रसपान करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति ने बताया कि यहां आयोजन भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। आयोजक एवं निवेदक मानत सत्संग परिवार बलखेड़ा मातनपुर से अधिक संख्या में पधारने की अपील की है। श्री राम कथा महोत्सव के पूर्व में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। वहीं लोग डीजे से भक्ति गानों में नाचते देखे गए, तो ग्वाल बाल भी अपनी वेशभूषा में नाचते दिखे। बड़ी मात्रा में महिलाओं एवं कन्याओं ने नर्मदा जल अपने कलश में लेकर रामकथा प्रांगण तक शोभा यात्रा निकाली। यह कार्यक्रम 5 मार्च तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। यह जो कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है श्री रामचरितमानस का, इसमें 7 दिन जो है श्री रामचरितमानस की कथा चलेगी। ये जबलपुर जिले के ग्राम बेलखेड़ा के नज़दीक नर्मदा तट उत्तर तट झलौन घाट में यह कार्यक्रम रखा गया है और ये 27 फरवरी से 5 मार्च तक श्री रामचरितमानस यह कथा श्री राम जी की कथा चलेगी। कथा व्यास परम पूज्य श्री शिवम शुक्ला जी महाराज, जो कि प्रयागराज से पधारे हुए हैं, आप ख्याति प्राप्त श्री श्याम सुंदर पारासर जी के परम शिष्य हैं और आप विशेष मानस विद्वान हैं। यह कार्यक्रम में श्री राघव देवा आचार्य जी और श्री बगलामुखी से ऐसे अन्यत्र सभी संस्कारधानी के चैतन्यानंद जी महाराज, संस्कारधानी के सभी संत जो हैं इस कार्यक्रम में पधारेंगे और यह कार्यक्रम 27 तारीख से 5 मार्च तक चलेगा। इसमें क्या हुआ, आज जो है इस कार्यक्रम की शोभा यात्रा थी मां नर्मदा तक तट तक हजारों लोगों की संख्या में सभी सत्संग परिजन एवं सभी क्षेत्रवासी नर्मदा तट तक